हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18th ऑफ जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन बैट्समैन हैज रीच्ड इट हिज करियर बेस्ट रैंकिंग ऑफ फिफ्थ पोजीशन ऑन आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग 2022। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट सी व्हिच इज सूर्य कुमार यादव। ओके, तो ये जो है इनका फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे आया है एंड ये अभी तक का बेस्ट है इनका इनके अपने खुद के करियर में। और टॉप 10 की जो रैंकिंग है, मतलब टॉप 10 बैट्समैन इन आईसीसी टी20, ये जो पूरी रैंकिंग है इसके अंदर दो ही लोग आए हैं इंडिया से। एक हमारे सूर्य कुमार यादव आ गए और इसके बाद हमारे भुवनेश्वर कुमार है, ये 8th पोजीशन पे और ये 5th पोजीशन पे। ये दो ही अभी तक हैं टॉप, मतलब इस बैटिंग रैंकिंग में। और ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि एटलीस्ट दो लोग तो यहाँ पे हैं जो कि अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल प्रोवाइड फ्री COVID-19 बूस्टर डोज टू ऑल अबव 18 ईयर्स फ्रॉम विच डे। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज ए विच इज July 15th। ओके, तो यहाँ पे 75 डेज के लिए आपको फ्री बूस्टर डोज यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, क्योंकि कहीं क्योंकि देखो कहीं कहीं पे जगह पे वहाँ पे पेड भी हमको मिलता था, लेकिन वो सब अब यहाँ पे फ्री हो गया। किसके लिए? 18 ईयर्स से अबव लोगों के लिए। ओके, फॉर 75 डेज, ये भी याद रखिएगा, 75 डेज टू कॉमोमरेट द 75th इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 75 डिस्ट्रिक्ट या फिर अलग अलग शहरों में यहाँ पे किया जाएगा। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया कि लाइक मोर देन 73% जो लोग हैं उनके पास फर्स्ट डोज उन्होंने लगवा लिया है एंड मोर देन 65% जो लोग हैं वो लगभग फुल्ली वैक्सीनेटेड है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे डेटा है कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज लगवा लिया है। ओके, ये पूरा जो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इसको रिकमेंड किसने किया था? NTAGI। ये क्या होता है? इट्स नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे January 16, 2021, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाई? बिकॉज इस दिन ही हमारा फर्स्ट डोज का जो था वो यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोग ये भी देख लिएगा कि लाइक हमने 100 करोड़ कब कंप्लीट किया था, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद नहीं रहा लिखने का, 100 करोड़ का आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीलंकन प्रेसिडेंट फ्लेड टू विच कंट्री अमिड मैसिव प्रोटेस्ट। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी विच इज मालदीव। ओके, तो बेसिकली ये मालदीव तो गए और फिर मालदीव से ये लोग सिंगापुर चले गए। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षा, वो उड़ के पहले मालदीव गए फिर सिंगापुर। ओके, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे हैवी प्रोटेस्टिंग चल रही थी इनके खिलाफ और लोग बोल रहे थे कि भाई आप जो है अब भागो यहाँ से, मतलब आप अपने जो पोस्ट है आप अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दो। इससे पहले इनके PM जो थे यहाँ पे उनके भाई साहब ही थे, तो उन्होंने रिज़ाइन किया। तो उसके ऊपर लोगों ने कहा कि भाई जब तक प्रेसिडेंट रिज़ाइन नहीं करेंगे तो हम कुछ, मतलब हम लोग करते रहेंगे प्रोटेस्ट। वाई? बिकॉज प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे सारी पावर्स होती है, PM इज़ लाइक एन लाइक साइनिंग पावर। ओके, उस तरीके से रहता है इन लोगों का अलग अलग। तो ये अपने लाइक जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, ये इनकी वाइफ और दो बॉडीगार्ड के साथ सिंगापुर में। ओके, एंड देन आफ्टर वहाँ से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वगैरह जो भी था वो दिया। सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू एक्टिंग प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज रानिल विक्रमसेन। ओके, विक्रमसेन ने। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या था कि जैसे यहाँ पे PM साहब जो थे यहाँ के, इन्होंने जैसे ही रिज़ाइन किया तो इनको यहाँ प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन जैसे ही अभी प्रेजिडेंट यहाँ से भाग गए तो इनको अभी यहाँ पे एक्टिंग प्रेजिडेंट बना दिया गया। ओके, ये भी याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे 20 जुलाई से इनका जो इलेक्शन वगैरह से जितना भी होगा फॉर प्रेसिडेंट वो यहाँ पे 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बना है? इट्स रानिल विक्रमसिन्हे। ओके, ये भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। ओके, ये भी याद रखिएगा कि लाइक ये कोई अलग या फिर कोई मसीहा नहीं है, ही इज़ ऑल्सो विद दैम। ओके, एंड ही, मतलब ये भी उन्हीं के फेवर में। तो अभी जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इसको भी हटाओ और जो हम लोग लेके आएंगे उनको आप बिठाइएगा वहाँ पे, जो हमारी बात कर सके और पूरी कंट्री की जो सिचुएशन है इसको सही कर सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is launches promo of upcoming दूरदर्शन सीरीज स्वराज इन न्यू दिल्ली। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए विच इज अनुराग ठाकुर। ये हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं एंड इसके अलावा स्वराज इसका पूरा नाम नहीं, पूरा नाम इसका है, स्वराज तो हो गया यहाँ पे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा, ये पूरा इसका नाम है यहाँ पे। एंड ये कब से शुरू होने वाला है? ये 14th of August 2022 से यहाँ पे शुरू होने वाला है। इसके अंदर 75 एपिसोड्स होंगे और इस ये 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे पब्लिश की जाएगी ताकि जितने भी लोग हैं उनको हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में या फिर अनसंग हीरोज जितने भी हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में अपना पूरा बलिदान दे दिया, पूरी लाइफ को समर्पण कर दिया, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा सके। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक क्या है कि जो हमारा जो फ्रीडम है वो भीख में नहीं मिला है, उसके लिए हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो पूरी सीरीज है इसको लेके आया जा रहा है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे दूरदर्शन के साथ साथ यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो पे भी ये पब्लिश होगा। एंड इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो अनुराग ठाकुर ने बोला कि भाई जो ये दूरदर्शन है ये पूरी एक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और 2030 में
ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, लेकिन अभी 2022 में ये अभी सिर्फ $24 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज टाई अप विद एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हैव एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टू इनेबल द हॉस्टाइल ग्रोथ ऑफ एथलेटिक्स इन इंडिया. राइट आंसर ऑफ सिक्स इज सी, विच इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. ओके, तो बेसिकली टू सपोर्ट इंडियन एथलीट्स, इसके अलावा जो एथलेटिज्म है जितना भी कंट्री में उसको यहाँ पे ग्रो करने के लिए, उनको पूरा फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, मेडिकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए ये यहाँ पे पार्टनरशिप की गई. ओके, एंड इवन टू डेवलप स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, एथलेटिक इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम इन इंडिया. ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि पूरा स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स, मतलब गर्ल्स पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहाँ पे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ों करने के लिए रिलायंस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंट्रोड्यूस्टेड EFIR सर्विस एंड पुलिस ऐप फॉर उत्तराखंड. राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज डी, विच इज चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने. ओके, तो इसको किया 15 जुलाई को यहाँ पे किया था उनका. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरा EFIR के साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें दी गई, जैसे कि इसके साथ यहाँ पे एक पुलिस ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया. किस चीज़ के लिए? फॉर बेटर सर्विस फॉर आर पब्लिक. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 5 चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा इसके अंदर, जैसे कि नशा मुक्त उत्तराखंड, इसके अलावा जो यात्रा होती है वहाँ पे श्रद्धालुओं, जो भी मतलब डिवोटी थे उनके लिए, साथ में ट्रैफिक के लिए और नॉर्मल लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए, और भी एक चीज़ और है, गौरा शक्ति. ओके, इन सब चीज़ों के यहाँ पे करने के लिए किया गया. साथ में यहाँ पे इन्होंने 9030 यहाँ पे एक साइबर हॉटलाइन यहाँ पे एक नंबर जारी किया, जिसके ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हो. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 112 का यहाँ पे एक इमरजेंसी नंबर भी लॉन्च किया गया, लाइक इफ़ यू आर इन इमरजेंसी आप कॉल करिए, आपको सहायता दी जाएगी. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितनी भी EFIR होंगी ये साइबर पुलिस स्टेशन के पास जाएगा. ओके, और उसके बाद यहाँ पे लाइक जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करके आगे एक्शन लिया जाएगा. आप इसे डिजिटल FIR भी कह सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज पार्टनर विथ एन IIT मद्रास इनक्यूबेटर स्टार्टअप टू डिप्लॉय AI इनेबल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम. राइट आंसर ऑफ 8 इज ए, विच इज वेदांता. वेदांता क्या करता है? इट्स अ मेटल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन टाइप की जितनी भी कंपनीज होती है जहाँ पे ऑयल या फिर गैस का रिफाइनरी टाइप होता है, तो इन जगहों पे सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इन सारी चीज़ों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है कि लाइक कोई भी गैस यहाँ पे लीक कर गई तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिस्ट्रक्शन हो सकता है. तो उन सब चीज़ों से यहाँ पे बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सहायता ली जा रही है. एंड इसके थ्रू लाइक जितना भी सिस्टम है, लाइक ए से लेके जेड तक पूरी जितनी भी इनके पास जितनी भी यूनिट है वो हर जगह यहाँ पे लगाया जाएगा, और मतलब बोला जाएगा कि भाई हमें ज़ीरो हार्म चाहिए, ज़ीरो हार्म, कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो हमारी कंपनी में इवन काम कर रहा उसे, या फिर बाहर कोई सड़क पे सोया हुआ है उसको भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए. इवन नॉट इवन एनिमल्स, किसी को यहाँ पे हार्म नहीं पहुँचना चाहिए हम कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं जिससे. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेक्शन यहाँ पे लगाया गया, कह सकते हो सिस्टम इंडिकेशन डिटेक्शन. ओके, कि कोई भी अगर आगे प्रॉब्लम होती है तो उसको जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और इन्फॉर्म कर देगा वहाँ पे जितने भी लोग हैं, और जितनी जल्दी हो सके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा. ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऐसी जो चीज़ें हैं वो हर इंडस्ट्री में होनी चाहिए, हर केमिकल इंडस्ट्री में स्पेशली यहाँ पे होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लॉन्च नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ओके, थर्ड आंसर ऑफ 9 इज इट्स डी, विच इज नरेंद्र सिंह तोमर. तो ये कौन है? ये हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फार्मर वेलफेयर के. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे 37 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे भी दिए गए हैं. किसको? FPOs को. FPOs क्या होते हैं? इट्स फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसके तहत यहाँ पे 3.5 लाख फार्मर्स जो हैं उनको हेल्प की जाएगी अलग अलग जगहों पर. ओके, फार्मर होगा यहाँ पे. एक्सेप्ट दैट ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके तहत क्या क्या होने वाला है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे पैकेजिंग, क्लीनिंग, क्वालिटी, स्टोरेज, इंश्योरेंस, कोई भी प्रॉब्लम होगा लाइक फसल खराब होगी तो उसके इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा. एक्सेप्ट दैट वेदर रिपोर्टिंग या फिर वेदर फॉरकास्टिंग, बहुत अच्छा शब्द. ओके, तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको इसके तहत बताया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, इसको आप कह सकते हो कि लाइक डिजिटल मार्केट भी यहाँ पे बनाया जा रहा है. किसके लिए? हमारे फार्मर्स के लिए. ओके, फार्मर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इस पर काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो इस पर डिपेंड करती है, और काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन को, ऑलमोस्ट 17% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को ये फीड अप करती है. लाइक ओके, लाइक मोर देन 17, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर मारियो दरागी रिजाइन रिसेंटली. राइट आंसर ऑफ 10th इज सी विच इज इटली. तो इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सीधा बात यह है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्शन वगैरह मतलब सॉरी यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हुआ है एंड लाइक कॉलेशन की गवर्नमेंट थी और वो फिर धीरे धीरे खत्म होने वाली है एंड यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने बोला कि ठीक है भाई हम रिजाइन कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन फिर यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सर्गियो तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं भाई आप अभी नहीं कर सकते बिकॉज हम आपका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी कंट्री में ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और आप ऐसे ही मतलब नहीं कर सकते अपने बेनिफिट के लिए. सो वी कैन से दैट देर इज अ बिग नो फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेजिडेंट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन इज बींग ऑब्जर्व्ड ऑन राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज 15th ऑफ जुलाई 2022. ओके तो 7th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे पहले ये 15 जुलाई 2015 को ये लॉन्च किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग याद रखिएगा, 2015 को ये लॉन्च किया गया था 15 जुलाई को. ओके इसमें क्या हुआ था तो बेसिकली यहाँ पे टू जितने भी हमारे यूथ हैं उनको यहाँ पे स्किल बनाने की बात की गई थी एंड जॉब रेडी ओके इट्स ओके वेट अ सेकंड जॉब रेडी इनको पूरी तरीके से बनाने गई थी, साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई थी और मतलब अभी तक बताया जा रहा है कि लाइक 1,36,00,000 लोगों को ट्रेनिंग इन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया गया एंड इसके तहत काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे लाइक प्लेसमेंट भी मिल गया. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक और यहाँ पे मतलब योजना लाया गया जिसको दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी बोलते हैं, इसको मतलब एक और योजना था जिसके तहत 11,28,000 लोगों को भी फिर से यहाँ पे ट्रेन किया गया जिसमें से 7,00,000 लोगों को यहाँ पे प्लेसमेंट मिल गई. तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जितना आप लोग स्किल रहेंगे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी और आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन इंडिया टू बी बिल्ड इन विच सिटी. राइट आंसर ऑफ 12th इज ए विच इज दिल्ली. ओके तो दिल्ली में बनाया गया है, यहाँ पर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं गोपाल राय, इन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया, बताया लोगों को कि भाई ऐसी सी बात है हमने बना लिया और इंडिया का ये फर्स्ट है. 21 acres में ये फैला हुआ है एंड ई वेस्ट मतलब जितना भी कंप्यूटर वेस्ट होता है उनको हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सही काम किया गया एंड इसके तहत जितना भी वेस्ट होगा उसको रिसाइकल करके हम लोग यूज़ कर पाएंगे और पार्क इनमें बना पार्क यहाँ पे बना दिया गया. ओके गुड फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लॉन्च्ड इट कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एट सुषमा स्वराज भवन इन दिल्ली ऑन 13th of July 2022. कई सारी चीजें दी हुई है लाइक इंडिया के पास अभी भी कई सारे सॉफ्ट पावर्स हैं. सॉफ्ट पावर मतलब यहाँ पे इंडिया के पास कई सारे स्ट्रेंथ है जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज एंड इंडिया की संस्कृति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है हमारे पास संस्कृत लैंग्वेज और काफ़ी मजबूत संस्कृति है. बट जस्ट बिकॉज फ्यू और मतलब जितना भी प्रमोशन वगैरह होता रहता है कि भाई आप ये खरीद लो वो खरीद लो उसकी वजह से जो हमारी हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन लाइक इसको हमें उठाने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा. ऑलरेडी काफ़ी मतलब रिच कल्चर है हमारे पास इंडिया के पास, एक नहीं काफ़ी सारे अलग अलग कल्चर्स हैं. ओके एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें हमारे पास बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता रहता है. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये न्यू दिल्ली में हुआ था दिया हुआ यहाँ पे और इस किताब का पूरा नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर इसके अलावा एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ. सॉफ्ट पावर और एक हार्ड पावर होता है, हार्ड पावर मतलब गन्स, सॉफ्ट पावर मतलब बातचीत करना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपग्रेडेड एज अ गतिशक्ति विश्वविद्यालय इन गुजरात. राइट आंसर ऑफ 14th इज ए विच इज नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पे एक नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया, कहाँ पे गुजरात में. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है जैसे कि यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी इन पर्टिकुलर फील्ड जैसे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड्स रेलवेज के ऊपर. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे पूरा का पूरा बोला जा रहा है कि भाई इसके थ्रू जो आत्मनिर्भर बनने की जो हमारी एक चाह है या फिर जो हमारा एक एम है वो पूरा करने का काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है. इसके अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के यहाँ पे न्यू कह सकते हो न्यू कोर्सेज और जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाई गई है. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इंप्रूव की जाएगी, साथ में यहाँ पे रेलवे सिस्टम को भी यहाँ पे जो यहाँ पे रेलवे सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा. ओके तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इस तरीके की जो मतलब यूनिक टाइप की जो विश्वविद्यालय या फिर इंस्टीट्यूशन है इसको बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कि हम लोग का जो स्किल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंपेन इंडिया गवर्नमेंट टू लॉन्च सून नेशन वाइड टू इंस्पायर पीपल टू होस्ट नेशनल फ्लैग इन 75th इंडिपेंडेंस डे. राइट आंसर ऑफ 15th इज सी विच इज हर घर तिरंगा. ओके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस बार इसको किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे. ओके यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पे हर अपने घरों में घरों के ऊपर
तिरंगा लगाना है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा लगाना है, एक काफ़ी छोटा सा भी आप लगा सकते हैं, बट लगाना है, ऐसा नहीं कंपलसरी नहीं, लेकिन ये आपके अंदर जो इंकरेजमेंट है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ओके, एक्सेप्ट दैट, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, इंडियन फ्लैग कोड 2002 January 26th इंडियन फ्लैग कोड के तहत इसको किया जा रहा है। एंड अभी दिसंबर में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे, जैसे कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेप्ट दैट, और भी कई सारी चीज़ें थी। और बताया गया था कि यहाँ पे 3:2 में आप इसको बना सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें थी, तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा, ओके, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन कैप्टन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, थर्ड आंसर ऑफ 16 इज डी, विच इज सौरव गांगुली। तो ये हमारे BCCI के 39th प्रेजिडेंट हैं, एक्सेप्ट दैट, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, एक्सेप्ट दैट, पद्मश्री विनर 2004, मतलब विनर नहीं, अवार्ड इनको मिला था, एक्सेप्ट दैट, बंगा विभूषण अवार्ड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इन सबको यहाँ पे दिया गया, एंड इनको अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भी एक अवार्ड दिया जाएगा। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो इनको जहाँ पे पद्मश्री है वो 2004 में मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी प्रेजेंट द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर 2021 टू होम अमंग द फॉलोइंग, थर्ड आंसर ऑफ 17 इज डी, विच इज दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह। ओके, इन दोनों को यहाँ पे दिया गया। ये जो दिया मिर्जा जो है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एम्बेसडर है, और साथ ही में ये जो अफरोज शाह जो है ये यहाँ पे एक इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट है। ओके, तो इस जो इन्होंने जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जितना भी काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड को यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, एक्सेप्ट दैट, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट बीच क्लीन अप मूवमेंट। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है, लाइक दे बोथ आर डूइंग गुड वर्क फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्स टू ऑर्गेनाइज APS सुश्रुत फिल्म फेस्टिवल टू ऑब्जर्व 12th नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे ऑन, सो राइट आंसर ऑफ 18th इज ए, विच इज 15th of July। ओके, तो इस दिन हम लोगों ने अपना 12th नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। किस चीज़ के लिए, लाइक पहले तो हम लोग APSI जो जानते हैं, तो इट्स एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, लाइक यहाँ पे फिल्म बन, लाइक यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे बेसिकली दिखाया जाएगा कि लाइक कितने सारे लोग हैं जिसकी वजह से, लाइक प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है, एंड इवन लाइक स्पेशली जितने भी एसिड अटैक के विक्टम्स होते हैं इनकी तो भाई मतलब अच्छी तरह, मतलब काफ़ी इनके पास अच्छा एक ऑप्शन रहता है कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा के आप अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लाइक शोकेस किया गया था, लाइक द ग्रेट वर्क ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स, कि लाइक इनकी वजह से लाइक वी हैव अ ऑप्शन टू चेंज एंड टू गेट रीबैक वॉट एवर वी आर हैविंग। ओके, लाइक दोबारा हम अपने जो स्किन है उसको हम लोग वापस पा सकते हैं अच्छा वाला। ओके, एक्सेप्ट दैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू ग्राफिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विथ अ फास्टर स्पीड एंड इम्प्रूव पावर एफिशिएंसी, राइट आंसर ऑफ 19th इज सी, विच इज सैमसंग। ओके, तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि लाइक वर्ल्ड का फास्टेस्ट DRM चिप है। ओके, इसके तहत आप 3D गेमिंग कर सकते हो, मतलब जो पावरफुल गेम्स होते हैं उसको आप खेल सकते हो। ओके, एक्सेप्ट दैट, हाई रेजोल्यूशन वीडियो प्ले कर सकते हो, और उसके बाद 8K 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। एक्सेप्ट दैट, यहाँ पे आप लोग बेस्ट क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइक जो गेम आप खेल रहे हो 3D गेम पावरफुल वाला, उसके साथ साथ आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो उसको विथ अ बेस्ट क्या बोलते हैं उसको फ्रेम रेट। ओके, एक्सेप्ट दैट, यहाँ पे लेस पावर कंजम्पशन है ये, और मतलब वेरी वेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्ट है ये। ओके, इसके साथ सैमसंग ने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, इन सब सेक्टर्स में काम होते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, राइट आंसर ऑफ 20 इज सी, विच इज 18th of July। ओके, इस दिन इनका बर्थडे होता है, यानी कि आज ही के दिन इनका बर्थडे होता है, और इसी के लिए इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं, कि ऑलरेडी फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रह चुके हैं, इनका बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग चीज़ों में, और इससे पहले जाने से पहले लाइक 27 ईयर्स के लिए ऑलरेडी प्रिजन में रह चुके हैं, लाइक जेल में रह चुके हैं। ओके, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या किस किस चीज़ में रहा है, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, इनजस्टिस को हटाने में, इसके अलावा जितने भी पुअर पीपल हैं उनको हेल्प करने में, एंटी अपार्थिड, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, और जब मतलब कि जब ये प्रेसिडेंट से हट गए थे तो लाइक जब ये रिटायर हो गए, तो उसके अलावा भी यहाँ पे HIV और एड्स के खिलाफ इन्होंने काफ़ी बड़े कैंपेनिंग किया था, उसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए भी उन्होंने काफ़ी बड़ा मतलब लाइक हेल्प वगैरह किया, एंड जो लोग दबे हुए लोग थे जिनको लाइक अभी भी स्लेवरी सिस्टम चल रहा था उस पर यहाँ पे काफ़ी उन्होंने बड़ा स्टेप उठाया था। ओके, तो काफ़ी इन्होंने काफ़ी ह्यूज रोल प्ले किया, इनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी बोलते हैं, लाइक गांधी जी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।